हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं अभी व्हाट प्लेस। तो गाइस वेलकम बैक हो गया फिर से आपका एक बार हार्डकोर सर्वाइवल में एपिसोड नंबर 4। और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फूड फार्म। जी हाँ गाइस, ऑटोमेटिक फूड फार्म बनाने वाले हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लेयर, पूरी चार लेयर बनाने वाले हैं। और ये वीडियो काफी एपिक होने वाली है। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जिसने अभी तक नहीं किया, और हाँ कमेंट कर दिया करो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको पता ही होगा वो। चलो एनीवेज अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। और तो मेरे को इंट्रो में कुछ नहीं बोलना ना, हाँ आई होप अभी और कुछ नहीं बोलूंगा। और हाँ बस ये बोलूंगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठोक देना, कर दो भाई, बस कर दो। चलो गाइस अभी करते हैं, चलते हैं गेम प्ले की तरफ। लेट्स डू इट गाइस, लेट्स गो। तो गाइस इस फार्म को बनाने का सामान मैंने पहले जमा करके रखा है। ये देखो यहाँ पे मेरे पास इतने बड़े ग्लास और ये वुड है और बाकी डर्ट पड़ी है। ये मैंने ऑप्शन इसलिए किया क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि इसकी चार लेयर बनने वाली है और दिखाऊंगा सिर्फ एक लेयर। तो इस चक्कर में मैंने ऑफ स्ट्रीम ये कर लिया था। बाकी अगर आपको चाहता है कि मैं ये ऑन स्ट्रीम करा करूँ, मतलब ऑन स्ट्रीम मतलब इन वीडियो करा करूँ, मेरे को बता देना, मैं इन वीडियो भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को ये था वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर आप लोग देखते नहीं हो। वैसे भी वीडियो कोई पूरी मेरी देखते नहीं यार, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाता हूँ और तुम लोग देखते नहीं हो भाई, मतलब ये तो गलत बात है ना यार। पूरा वीडियो देखा करो ठीक है। अगर ये वीडियो पर अच्छा रिटेंशन आएगा तभी मैं बड़ी वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर भाई यही करा करूँगा, ऑफ स्ट्रीम कर लूँगा ग्राइंडिंग मेरा, और फिर आपको फार्म दिखाऊंगा। वैसे मेरे को मज़ा भी नहीं आता ना यार, मेरे को भी देखना है भी आपकी टेंशन अभी आप देते हो कि नहीं। तो गाइस उसके मैं सो जाता हूँ अपने घर पे आके फार्म को तबाह करके। जब नेक्स्ट सुबह मैं उठता हूँ, मैं थोड़ा यहाँ पे मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब मेरे को करना क्या था भूल जाता हूँ एक्चुअली। तो अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने चेस्ट खोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे एयर अपना देख रहा था मैं। मैंने चेस्ट किस लिए खोली, मैं भूल गया था, बस मैं ऐसे फिर बाहर निकल जाता हूँ ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये चेस्ट खोलता हूँ, फिर यहाँ से भी मैं कुछ नहीं लेता, फिर वापस घर पे जाता हूँ। फिर मेरे को याद आता है कि हाँ मेरे को तो एक शवल बनानी थी, जल्दी से अपनी फिर आयरन की शवल बना लेता हूँ। और शवल बनाने के बाद मैं वो जो अपना फूड फार्म था उसको पूरा तरह से तबाह कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे अपना आएगा अभी चार लेयर वाला ऑटोमेटिक क्रॉप प्रोडक्शन फार्म, यानी कि फूड फार्म। मैं इसको क्रॉप प्रोडक्शन फार्म बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, बट हाँ। तो बस अभी इसके बाद क्या करना है, इस फार्म को पूरा तबाह करना है। तो जल्दी से इसको तबाह कर देता हूँ मैं, और ये कंपोस्टर मेरे काम आएगा, कंपोस्टर को भी तोड़ लेता हूँ। और इसको तोड़ने के बाद मैं फिर से भी लग जाता हूँ ये फार्म को तबाह करने में। मतलब अभी देखना, अभी मेरा ना अभी विलेज अभी वो एपिसोड है जिसमें मैं अभी अपनी यार मैं क्या समझाऊँ आपको, रुक जाओ। ये वो पार्ट है जिसमें अभी मेरी ग्रोथ होगी। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक ओपी सा फार्म बना दिया और आसपास इसके अभी विलेज बनेगा, मतलब बहुत कुछ आएगा मैं जो दिमाग में करता जाऊँगा, अलग अलग फार्म जाएंगे तो काफ़ी ओपी बन जाएगा ये, और काफ़ी अच्छा मेरा वर्ल्ड बन जाएगा, और प्लस काफ़ी आपको देखने में मज़ा आएगा और मेरे को खेलने में मज़ा आएगा। बाकी एनीवेज मैं इस फार्म को तबाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ से तो मेरी खाने पीने का बनता है सब कुछ हाँ तो बनता है यहाँ से, अब और क्या छूट क्यों बोलूँ मैं। तो इसको मैं जो भी मेरी बीट होती है उसको मैं जल्दी से तबाह कर देता हूँ, और ग्रास को लगा देता हूँ, ग्रास को लगाता हूँ, सीड को लगा लेता हूँ। बीट लेने के बाद और सीड्स को प्लांट करने के बाद मैं घर पे जाता हूँ। ये मेरा छोटा सा घर है और इसमें अपना रख देता हूँ खाना, गलती से जो मेरे को बाद में आ जाता, मैंने खाना रख दिया है। मतलब क्या ही बोलूँ यार, मेरा क्या ही दिमाग चल रहा था। और जो वीट थी मैं इनको इनकी ब्रीडिंग करवा देता हूँ अपनी शीप्स की, क्योंकि भाई इनकी ब्रीडिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो ताकि आगे जब मेरा शीप फार्म बनेगा ना तो शीप फार्म मेरे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। बिल्ड्स में काम आ सकता है शीप फार्म ठीक है, बेड माइनिंग में काम आएगा, प्लस और किस में काम आता है वो आप बताना ठीक है। हाँ अभी आपका भी कोई काम होगा आप भी मेरे को बताना यार, हर चीज़ मैं थोड़ा ना बताऊँगा अभी। चलो एनीवेज गाइस थोड़ा आज का वॉच ओवर ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मेरे को ना अभी काम था तो बस मेरे को टाइम मिला ये थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ वॉच ओवर करके आज वीडियो डाल देता हूँ। उस चक्कर में थोड़ा जल्दी जल्दी वॉच ओवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेना आज के लिए प्लीज़। और हाँ वीडियो पूरी देखना यार, प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। फिर आता हूँ मैं अपने शुगरकेन फार्म के पास, जो मैं भूल चुका था कि मैंने बनाया, और उसको फिर मैं जल्दी से प्लांट कर देता हूँ। और गाइस मेरे को अब ये हर बार याद दिलाया करो कि भाई शुगरकेन काट लिया कर, किसी ने मेरे को एक बंदे का कमेंट नहीं आया था भाई शुगरकेन आप काटते नहीं हो, आपने दिखाया नहीं है, मैं उसको भूल ही चुका था यार। आप अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करते हो ना, प्लीज़ मेरे को एक एक चीज़ बताया करो, भाई आपने ये भूल गया वो भूल गए, तो मेरे को याद रहेगा। आपके कमेंट में हर पढ़ता हूँ ना, तो मेरे को याद रहेगा, और मैं फिर हाँ अगली बार से याद रखूँगा, उसको वीडियो में डाल दूँगा। हाँ तो मेरे को बताना मैं क्या भूल रहा हूँ इस वीडियो में, आप मेरे को बताना कमेंट में, फिर उसको अगली वीडियो में ऐड कर दूँगा ठीक है। और इस पॉइंट में कोई याद आता कि मेरा खाना पता नहीं कहाँ पे चला गया, बट एनीवेज मैं ऐसे ही अभी, एक तो मेरे वर्ल्ड में इतना बेकार मौसम हो रखा है ना, मतलब इतना गुस्सा आ रहा था इस मौसम को देख के ना, तो उसके बाद अभी मैं चलता हूँ अपने घर के पास, घर से निकालता हूँ अपने यहाँ पे जो फूड रखता हूँ 19 अपने कुक्ड वाले, वो निकाल लेता हूँ मटन, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने चेस्ट के अंदर रख दिया गलती से, तो उसके बाद मैंने निकाल लिए। देन अभी बनाने वाला अपना फार्म स्टार्ट, मतलब ये फार्म की बिल्ड प्लस डेकोरेशन ओपी करने वाला हूँ। आपको पता है भाई बिल्ड तो ओपी करता हूँ मैं, अभी आपको ये चीज़ तो बतानी नहीं पड़ेगी। और हाँ तो अभी स्टार्ट करने वाला था, तो मैंने इसका मैंने अगर आपको ट्यूटोरियल देखना कि कैसे बनता है, तो मैंने ऑलरेडी इसका ट्यूटोरियल बना रखा है, जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, ट्यूटोरियल वाली आपको मिल जाएगा।
ठीक है। और पहले तो आपको ऐसे चार ऐसे ले लेने हैं, ठीक है, उसके बाद तीन आगे आगे लगाते जाने हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो मैंने वैसे किया। और इसका अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, प्लीज़ जाके वो चेकआउट करना, ठीक है, और पूरा देखा करना ट्यूटोरियल, तो भाई ट्यूटोरियल तो पूरा देखो तभी समझ आएगा, ऐसे तो समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे फूड फॉर्म आने वाला है, आपको समझ आ ही चुका है वीडियो का थंबनेल देख के, तो अभी बस वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वॉइस ओवर करूँ क्या, वॉइस ओवर यहाँ पे करना बनता है कि नहीं बनता, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों। तो हाँ बस उसके बाद मैं डर्ट लेता हूँ और यहाँ पे पूरी डर्ट को फिल कर देता हूँ, तो मिलता है आपको पूरी डर्ट फिल करके। तो गाइस ये प्लेटफॉर्म बनाने के बाद अभी बस इसकी साइड पे मैं लगाने वाला हूँ वुड, और कोने पे लगाने वाला हूँ लॉग चार की हाइट के, तो जल्दी से लगा के आपको मिलता हूँ। तो गाइस वुड और लॉग लगाने के बाद अभी बस बीच में को डालना है पानी, और पानी डालने के बाद उसको कर देना फार्मलैंड में कन्वर्ट। फार्मलैंड इसलिए क्योंकि भाई ऑटोमेटिक क्रॉप प्रोडक्शन फार्म है, तो इसलिए फार्मलैंड तो ऑफ कोर्स है ना। उसके बाद ले ले जाता अपना पानी, मेरा पानी वहाँ पे यूज हो जाता है, तो मैं लगता है कि पानी तो इंपॉर्टेंट है, तो पानी लेने जाता हूँ मैं। और पानी लेने के बाद अभी बस उसको मेरे को हो बनानी है एक, और ये शीप, तो भाई मैं शीप को जब भी कुछ दिखते मैं मार देता हूँ यार, मैं ये गलत करता हूँ यार, अभी क्या ही करूँ, बस आदत है ना, अब तो आदत सी हो गई है कि शीप को मारना ही है। तो एनीवेज इसको छोड़ो, पहले बनाता अपनी स्टिक्स, थोड़ी सी स्टिक्स बनाने के बाद मैं बनाता हूँ फिर अपनी हो, हो बनाने के बाद फिर चलते हैं फार्म पे और उसको करते हैं फार्मलैंड में कन्वर्ट, आई मीन डर्ट को करते हैं फार्मलैंड में कन्वर्ट। तो लेट्स गो, आज फंबल भी हो रहा है, आज तेज तेज हो रहा है, मतलब सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक सो हो सकता इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, समझ लेना का काम है थोड़ा सा, प्लीज़ थोड़ा सा लेने इस एपिसोड को। बाकी एपिसोड तो आपके लिए एक एक दिन छोड़ के लाता रहूँगा, और आप बस प्यार दिखाना और कुछ नहीं। और एनीवेज चलो भी जल्दी से करते हैं इसको कन्वर्ट, फार्मलैंड में कर ही रहा हूँ। और हाँ अभी इसके ऊपर क्या वॉइस ओवर करूँ गैस, तो ये देखो मैं फार्मलैंड को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ऐसा तो मेरे से नहीं होगा यार ये चीज़। तो एनीवेज जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया आप कर दो यार, वी आर वेरी क्लोज टू 3.1K, तो जल्दी जल्दी करवा दो। एंड गाइज हमने फेब के एंड तक ना 4K जाना है, मतलब फेब के एंड तक जाना है, तो आपके पास अभी टाइम है, प्लीज़ शेयर कर दो ताकि हम फेब के एंड तक 4K चले जाएं यार। अपनी फैमिली अभी स्ट्रांग करो, और आपके लिए मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, शायद कुछ इंटरेस्टिंग ला पाऊँ आने वाले फ्यूचर में, मतलब शायद नहीं पक्का लेके आऊँगा। और उसके बाद अभी खोलता हूँ मैं चेस्ट, और चेस्ट से निकालता हूँ ग्लास और लगाता हूँ पे ग्लास, तो मिलता है आपको ग्लास लगा के फटाफट। तो फाइनली गाइस मैंने ग्लास तो यहाँ पे लगा लिया है। अभी मेरा नेक्स्ट गोल था कि मेरे को अंदर का एक वर्कस्टेशन यानी कि कंपोस्टर, और बाहर एक वर्कस्टेशन यानी कि फ्लेचर टेबल लगाना है, तो उसको लगाने के लिए पहले बनाता हूँ मैं क्राफ्टिंग टेबल, मेरे घर के अंदर था बट मैं यहाँ के लिए भी एक बना लेता हूँ। तो हाँ इसको कुछ यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ जस्ट के एकदम आगे, और यहाँ पे क्राफ्ट करता हूँ पहले स्लैब, क्योंकि पानी के ऊपर आने वाली स्लैब के ऊपर आने वाला कंपोस्टर, उसके ऊपर एक आएगा ब्लॉक, फिर हाँ मतलब दिमाग बहुत है मेरे में, इन शॉर्ट अगर बताऊं तो दिमाग तो भाई अभी इतना ज़्यादा है ना क्या ही बताऊं, बट आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे, चलो छोड़ो। एनीवेज तो ये लगाने के बाद, कंपोस्टर लगाने के बाद, इसके ऊपर लगाने वाला था अभी मैं एक प्लैंक, और प्लैंक पे साइड पे लगाने वाला था मैं टॉर्चेस, ताकि यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी ना आ सके और मेरे विलेजर सेफ रहें, तो इसलिए टॉर्चेस लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेक श्योर टू चेक आउट माय ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ दिस फार्म, मैंने ऑलरेडी बना रखी है दोस्तों, तो जाके देख लेना ठीक है। तो एनीवेज अभी ये लगाने के बाद अभी मेरा नेक्स्ट गोल था क्या था मेरे को खुद याद नहीं है, जैसे अपने घर में जाता हूँ और वहाँ से निकालता हूँ कुछ कैरेट, और कैरेट को प्लांट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कैरेट थोड़ी ग्रो हो जाए जब तक मैं विलेज को ट्रांसफर करूँगा ना, समझ रहे हो। तो दिमाग इनटू 100 हो रखा था, तो कैसे मेरा कुछ ऐसे होने वाला था, कैरेट पोटैटो पोटैटो कैरेट ऐसे लेयर बनेगी ठीक है, मतलब लेयर का मैंने वो बताया, तो ऐसा होने वाला था। तो बस ये लगाने के बाद अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो था अभी विलेजर को लेके आना, उससे पहले मैं सोचता हूँ कि फटाफट वो कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, फ्लेजिंग टेबल बना लेता हूँ और उसको प्लेस कर देता हूँ, ताकि बाकी पता नहीं यार मेरे को क्या बोल दिया मैंने, छोड़ो एनीवेज। तो जल्दी से मैं फ्लेजिंग टेबल बना लेता हूँ और उसको लगा देता हूँ एकदम इसके सामने, और बस अभी कुछ नहीं करना, अभी यहाँ पे आएगी यू नो ग्लास की वॉल, और विलेजर इसके अंदर जाएगा और एक अंदर काम करेगा, मतलब दिमाग इनटू 100 हो रखा है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता मेक श्योर टू चेक आउट माय ट्यूटोरियल वीडियो, मैंने ये वीडियो में 3-4 बार बोल दिया क्योंकि आपने उसके ऊपर व्यूज़ नहीं दिए मेरे को, समझ रहे हो, तो व्यूज़ दे दिया करो यार, व्यूज़ दे दिया करो, अगर यूट्यूबर को व्यूज़ नहीं मिलते तो वो बंदा ऐसे ही करता है, वो पागल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसको ग्लास को मैंने तोड़ के यहाँ पे लगाना था एक लाइटिंग सिस्टम के लिए एक चेस्ट, ताकि उस चेस्ट में मेरे जो भी क्रॉप होगी यानी कि अभी यहाँ पे आपको पता है कैरेट आने वाली है, तो उसमें कैरेट होगी, तो कैरेट हम क्या करेंगे ट्रेड मारेंगे,
अपने खाने के लिए नहीं होगी, वो ट्रेड मारने के लिए होगी। मतलब वो अपने लिए ही काम करेंगे और उनसे ही ट्रेड मार देंगे, मतलब उनका ही फुद्दू काट रहे हैं हम, समझ रहे हो? इन शॉर्ट वो हो सकता है। हाँ चलो एनीवेज, मैंने यहाँ पे ये चेस्ट लगा ली, डबल चेस्ट। अभी मेरे को बनाना है हॉपर, तो जल्दी से मैं यहाँ पे हॉपर बनाता हूँ। आई थिंक मेरे पे प्लैंक्स नहीं थे इस टाइम पे। हाँ मैं प्लैंक्स नहीं थे, मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ। अभी बनाऊंगा यहाँ पे 3 चेस्ट और 3 हॉपर। ये देखो ग्लिच हो चुका था, मेरे को एक बार इन्वेंट्री बंद करनी पड़ेगी, दोबारा खोलनी पड़ेगी, अभी काम करेगा। ये देखो ये थोड़ा ग्लिच होता रहता है, मेरे को समझ आ रहा है कीबोर्ड और माउस का। चलो कोई ना, एनीवेज इतना तो सह लेंगे, मेरी जनता ओपी है, सह लोगे ना? ऐसे करो मेरे को स्पॉन्सर कर दो पीसी। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, सह लोगे मेरे को पता तुम लोग। और उसके बाद अभी यहाँ पे लेने गया था मैं आयरन, ताकि मैं पाऊँ अपने 3 हॉपर। तो मतलब एक लेयर पे 3 हॉपर लगेंगे, तो टोटल कितने लगेंगे मेरे को बताना कैलकुलेट करके। 4 लेयर बनाने वाला हूँ। तो एनीवेज अभी मजाक एक साइड पे रखते हैं, और मैंने यहाँ पे फिर क्राउच होके लगाया हॉपर, 3 हॉपर लगाने वाला था यहाँ पे, 1, 2 और ये 3। और अभी उसके अंदर मैं चेक करने वाला हूँ टॉर्च डाल के। ये टॉर्च डाल दी और ये उस चेस्ट के अंदर गई है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट गाइज। और बूम, तो गाइज ये वर्किंग है अपना क्लटरिंग सिस्टम, में तो वर्किंग होना था ऑफकोर्स। तो अभी बस निचली एयर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो अभी बस इसके अंदर विलेजर डालने हैं और तो कुछ बाकी नहीं है फिलहाल। तो जल्दी से अभी विलेजर डालते हैं, और गाइज वही फिर स्ट्रगल इंटू 100 वाला काम होगा। तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो ग्लास के ऊपर एक लेयर डाल देता हूँ एक प्लैंक्स की, ताकि यू नो ओपी लुक लगे। अभी आपको ना लग रहा कि मैं तो डिब्बा खड़ा कर दूंगा बहुत बड़ा, जब आप एंडमेज का रिजल्ट देखोगे आपने वैसे थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइज काफ़ी ओपी बना देता हूँ मैं, मेरी डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग स्किल काफ़ी ओपी है, आपको नहीं पता बट मेरे को पता कि मेरी ओपी है, समझ गए? हाँ समझ गए, मतलब क्या ही बोल दिया बट यार सैलग, मतलब सैलिया करो, ये जो मैं बोलता हूँ ना वही मेरे को पता नहीं है मैं क्या बोलता हूँ, बट सैल लेना बस, ठीक है। चलो एनीवेज अभी यहाँ पे बारी थी विलेजर को डालने की, और ये देखो यहाँ पे विलेजर खड़ेगा और सामने वो काम करेगा, उससे वो लेगा फिर वो जाके अंदर, सब कुछ आपको पता ही है वो, अगर आपने मेरी वीडियो चेक आउट की होगी। अगर नहीं की होगी तो जाके अभी करो यार, कर लिया करो, व्यूज़ नहीं है उस पर दोस्तों। चलो अभी लेके आया था विलेजर, तो विलेजर लेने वाला था मैं पहले इस घर से, बट इस घर वाला को बाहर में, इस घर वाले को बाहर बाद में निकालते हैं, पहले हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि जो ये है ना ये बाहर ओपन में घूम रहा है, अरे ओपन में घूमना इसके लिए हानिकारक हो सकता है, बिकॉज मैंने गोलम को मार दिया है, उस गोलम को मैंने पेल दिया है, तो अभी इनकी रक्षा कोई नहीं करेगा, तो इनकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। तो इसको डाल देते हैं अभी अपने फार्म के अंदर। तो जल्दी से अभी मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, कब से वॉश ओवर कर रहा था, कंटिन्यूसली ब्रेक लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तो गाइस फाइनली अभी ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ, मैंने पूरा 2 मिनट का ब्रेक लिया, मतलब समझ रहे हो इतना बड़ा ब्रेक लिया। तो एनीवेज अभी उसके बाद लेता हूँ मैं अपनी एक बोट, और बोट में बुला दूंगा उस विलेजर को, क्योंकि विलेजर को वहीं से लेके आएंगे यार, और कहाँ से लेके आएंगे, वही तो एक ऑप्शन है, बट ये विलेजर भी तो ले सकते हैं ना, पहले इसको लेके जाते हैं, रुको उसको बाद में पकड़ेंगे, पहले इसको पकड़ते हैं। अरे सर जी आपसे काम था, थोड़ा बाहर चलो। हाँ बाहर चलो। अरे आप तो बड़े नाइस हो, आप तो अंदर ही बैठ गए। चलो अभी आपको लेके जाएंगे एक आपके नए काम की तरफ, आपको जो भी काम कर रहे थे वो बेकार काम था, रुको 2 मिनट रुक जाओ। तो कैसे अभी इसको डालने वाला हूँ मैं उस फार्म के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं अभी कौन सी जॉब पकड़ेगा, फ्लाम बोल रहा था मैं फार्म को भी भाई, मतलब क्या ही फंबल कर रहा हूँ, क्या ही तेज बोल रहा हूँ, समझ रहे होगे कि मेरे को बहुत जरूरी काम है जिसलिए मैं वॉशओवर बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो सह लेना। एनीवेज यार मैं आज का वॉशओवर बहुत ऊपर नीचे कर रहा हूँ, माफ़ कर देना, ठीक है। तो उसके बाद गाता हूँ यहाँ पे रेल्स भी, रेल्स एक वही मतलब एक रेल सी चीज़ है जो इस फार्म में यूजफुल होगा मेरे लिए, क्योंकि जो बोट है ना अगर उसको तोड़ूंगा ना मैं, पहले तो उसको लीड से लेके आना, ठीक है पास में लेके आना, कोई दूर तो है नहीं वैसे, लेके जाना और उस जगह पे खड़ा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि रेल्स लगाते हैं, माइनकार्ट को सीधा के तोड़ देंगे और बस फिर ईजी है। तो जल्दी से मैं लगाता हूँ यहाँ पे रेल्स और कुछ नहीं फिर। हाँ चलो एनीवेज ये बातें तो होती रहेंगी, फिर मैं जल्दी से यहाँ पे रेल प्लेस कर देता हूँ, और रेल प्लेस करने के बाद इसको धक्का मारेंगे हम बिठा के अंदर। तो गाइस ये जो विलेजर था ये तो बहुत ही सही विलेजर था, ठीक है, ये तो पहली बार में ही मान गया था कि हाँ इसको जॉब करनी है और कौन सी जॉब करनी है, तो इसका तो कोई सीन नहीं था। बट जो इसके आगे वाला विलेजर इसको डालने वाला हूँ ना भाई, वो स्ट्रगल इंटू 100 करवाने वाला है, आपको वो दिखाऊंगा मैं पूरा तेज करके, ठीक है। एनीवेज उसको छोड़ो, तो अभी कुछ नहीं करने का, अब बस देखने का कि कैसे मैं विलेजर को अंदर डालने का, सही बोला क्या मैंने काका करके। चलो अभी बस इसके बाद मैं इसको कवर देते हैं तो डर्ट से, ताकि अगर मैं इसको जब बोर्ड से निकालूंगा तो ये बाहर ना भाग जाए, सिर्फ इसके अंदर ही बैठे। तो गाइस दिमाग इंटू 100 लगाया करो जब विलेजर के साथ खेलते हो उनकी उसकी, क्योंकि विलेजर में दिमाग कमी होता है, उनको होता है कि हम उनके लिए हानिकारक हैं, बट इन नूबड़ों को क्या पता कि हम उनकी रक्षा करते हैं, है ना? एम आई राइट? जो सहमत है कमेंट सेक्शन में को बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उनको हार्ट भी देता हूँ, लाल गुलाबी दिल देता हूँ अगर आपको नहीं पता। अभी देखो
अब इसको ये नहीं पता, इसको मैंने बाहर निकाला, अंदर चला गया। चलो एनीवेज ये अंदर बैठ चुका है, अब इसको मैंने धक्का मारना है, बस धक्का मारते ना, मारो 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 मारो, धक्का मारो मारो, धक्का लगा के, दम लगा के, हईशा ये होता है ना। हाँ चलो एनीवेज, इसने फेचर की जॉब ली और ये काफ़ी सही विलेजर था, जो उनसे जॉब इसको मैं देने चाहता था इसने वही जॉब पकड़ी है, और इसका काम भी बहुत ईजी कर दिया। अभी कुछ नहीं करना मेरे को, ये तोड़ना है, तो बस अभी देखना क्या करने वाला हूँ मैं। अभी दिमाग इनटू 1000 होगा, 100 भी नहीं, 1000 होगा। अभी बस मैं यहाँ से एक एक यहाँ पे लगाऊंगा डर्ट, देन इसके आगे लगाऊंगा मैं एक क्या बोलते हैं उसको, ग्लास, ताकि ये ऊपर से ब्लॉक हो जाए और बाहर ना निकल पाए। अभी एक बार अभी बॉट ओपी कर देना चैट में यार, ये मेरे को दिखना चाहिए, देखो अभी बाहर निकल पाएगा, मतलब दिमाग तो है, मानना पड़ेगा। चलो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी रेल भी ध्यान से मैं तोड़ देता हूँ। तो गाइस अभी इससे बस मेरे को ट्रेड मार्केट की ट्रेड लॉक करनी है और बाकी डन है सब कुछ। तो हाँ अभी यही किया था, इसके बाद मैंने क्या किया मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, रुको मेरे को याद करने दो। हाँ इसको बंद कर देता हूँ ग्लास में, और ये करने का मेरे को आगे याद नहीं है क्या किया मैंने। हाँ मैं सच में याद नहीं है यार, रुको मेरे को देखने दो मैं क्या करता हूँ। ओके 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 तो बस यहाँ पे फिर मैं डर्ट लगाता हूँ, और डर्ट लगाने के बाद इसके ऊपर लगाता हूँ एक प्लैंक, ताकि ये जंप भी ना कर पाए। भले जंप तो क्या ही करेगा, यही कौन सा यहाँ पे सर्कस में आया तो जंप करेगा। तो एनीवेज चलो अभी ये एक अपनी सही जगह पे पहुँच चुका है, अब इसे ट्रेड मारनी है मेरे को। तो जल्दी से मैं ट्रेड अभी मारता हूँ, मेरे को याद नहीं है वो भी, मैं ट्रेड कब मारता हूँ मेरे को वो भी याद नहीं है यार, रुको ना, अब ट्रेड अभी मारूंगा जहाँ तक मेरे को याद है ना। तो ट्रेड इसे अभी मारेंगे हम, हाँ ट्रेड अभी मारने वाला हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे बनाता हूँ यहाँ थोड़े से प्लैंक्स, और प्लैंक्स बनाने के बाद बनाता हूँ यहाँ पे वुड, और वुड बनाने के बाद बनाता हूँ यहाँ पे स्टिक्स। रुक जाओ, प्लैंक से वुड कैसे बन जाएगी, प्लैंक से स्टिक्स बनती है ना, तो स्टिक्स नहीं, मैंने वॉइस ओवर हक दिया यार। चलो एनीवेज जनता ओपन द चैट, ठीक है जनता समझ जाना, क्योंकि मैं जल्दबाजी में तो वॉइस ओवर ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो कैसे मैंने यहाँ पे जल्दी से बना लिया था और इसे ट्रेड कर लिया था स्टिक्स, तो अभी इसकी ट्रेड लॉक है, अभी अपनी कभी भी जॉब चेंज नहीं करेगा और ये फार्मर नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए ओपी है, अभी ये अपने लिए फैचर का काम करेगा, मतलब काम तो ये क्या ही करेगा। यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया ताकि इससे तो हमारा काम ही होगा, क्योंकि वो अंदर का फार्मर देखेगा अभी इसको वो दे रहा क्रॉप, बट उसको क्या पता वो तो हमारे पास आ रही है। चलो उसके बाद जल्दी से इसको मैं तोड़ देता हूँ, और मिलता हूँ इसको तोड़ के सारा रेल को, ठीक है। नहीं रेल को नहीं तोड़ता यहाँ पे मैं, सारी होता है सारा रेल बोल दिया, फंबल फिर से, फंबल नहीं बोलूंगा ये, अभी बस जो दिमाग में आ रहा है वो बोलूंगा। तो गाइस अभी मैं सेटअप करता हूँ, अभी देखना मेरी स्ट्रगल इनटू 100, ठीक है, तो अभी फास्ट कर दूंगा, मेरी स्ट्रगल देखना। भाई इस विलेजर ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया ना, और मेरी बात सुनो, ये जो भी बीच में दिखा रहा हूँ ना, ये मेरी इंट्रो है, ठीक है, अभी ये आउट्रो नहीं कर रहा, अभी आपको ये बता रहा हूँ कि जो ऊपर वाले बिल्ड्स है ना, ऊपर वाला फार्म की लेयर है ना, वो मैं अभी ऑफ स्ट्रीम करने वाला हूँ, मतलब अभी आपको दिखाता हूँ कि फाइनल लुक उसका कैसे है। तो जल्दी से आपको करके मिलता हूँ, और वहाँ पे विलेजर भी डालता हूँ, तो आपको समझ में तो आ चुका होगा कि कितना डिफिकल्ट है, और अगर मैंने ये दिखाया तो कितनी बड़ी वीडियो बन जाएगी, और मैं इतनी बड़ी वीडियो बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी ऑडियंस वो पूरी नहीं देखती। अगर आप पूरी देखते तो मैं उसको सब कुछ दिखा देता, बट आप नहीं देखते। तो जल्दी से आपको बना के मिलता हूँ कि कैसे दिख रहा मेरा फॉर्म और उसका फाइनल लुक क्या है, फिर हम करेंगे आउटरो। तो लेट्स डू इट गाइस, मिलता हूँ आपको बना के। तो गाइस 3 2 1 और ये जादू।
तो फाइनली गाइस मेरा फूड फॉर्म बन के रेडी था, मेरा कॉर्पोरेशन फॉर्म रेडी था। तो गाइस 3, 2 और ये 1। तो गाइस ये है मेरा ओपी 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 फॉर्म, मतलब समझ रहे हो, इतनी ओपी डेकोरेशन मैंने कर दी ना भाई, इसमें बहुत डिटेलिंग लगी है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों। तो इस वीडियो को उतना ही प्यार देना जिस वीडियो में टाइम लगा है, मतलब आप इसको एक बार इसका बिल्ड देखो यार, आप बिल्ड देख के बोल सकते हो भाई काफ़ी टाइम लगा है। तो अभी बीच वाले जो ये आपको खाली दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी इतने क्रॉप्स नहीं है इनको दे सकूँ, सिर्फ मेरे पास कैरेट ही है जो अभी आने लगी है, बाकी सब खाली पड़ा है। ये टॉप वाले को मैंने कैरेट दे दी थी, इसने थोड़ी सी कैरेट उगा दी है, ये भी आने लग जाएगी थोड़ी देर में। तो बाकी मैं ऑफ स्ट्रीम इनको आलू वगैरह जब ये होंगे मैं इनको दे दूंगा और कुछ नहीं। तो गाइस आज के इतना ही, हमें को बताना ये ओपी सम आपको कैसे लगा। मेरे को तो काफ़ी ओपी लग रहा है देखने में, मतलब क्या ही लग रहा है भाई, मेरे को लग रहा है अभी मैंने कुछ बना दिया हार्डकोर में, वो भी तो मेरे को काफ़ी सही लगा। तो गाइस अभी चलते हैं आउटर में। तो हाँ जी गाइस कैसी लगी, आ गया स्वाद, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी लगी मेरे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको कैसी लगी है, कमेंट जरूर कर दिया यार। कमेंट करके ना यू नो पता लग जाता है बंदे को कि हाँ बंदे देख रहे हैं, उनको क्या चीज़ पसंद आई है क्या चीज़ पसंद नहीं है, मेरे को वो बता दिया करो। और तो कुछ नहीं, बस ये बोलना चाहता हूँ। तो गाइस टिल देन टेक केयर, पीस आउट, बाय बाय, मिलता आपको नए एपिसोड में नई हार्डकोर एपिसोड के साथ, और कुछ नहीं। तो गाइस टिल देन टेक केयर, पीस आउट, साइनिंग ऑफ।